हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये सल्फर से रिलेटेड जो अल्टीमेट एनालिसिस का न्यूमेरिकल आता है उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि उसका न्यूमेरिकल एक दो बार पेपर में पूछा गया है तो उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए इसमें होता क्या है। यहाँ पे देखिए, सल्फर प्रेजेंट इन द कोल इज ऑक्सीडाइज बाई फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड इन टू सल्फ्यूरिक एसिड। द सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेसिपिटेटेड एच बी एस ओ फोर बाई एडिशन ऑफ बी ए सी एल टू। क्वान्टिटेबली मतलब अमाउंट में या बोल सकते हो क्वान्टिटी, मतलब बोल सकते हो ना क्वान्टिटी, मतलब आप क्या कहते हो। क्वान्टिटी का मतलब ये रहता है ना कि कितना अमाउंट, ठीक है। तो उसमें हमको क्या करना है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये क्या बी एस ओ फोर आपको प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपको वो रिएक्शन वगैरह नहीं दिखाना है। बस यहाँ पे आपको ये जानना है कि इसमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि उसका वेट दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में बिटनिमस करके आता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। फिर देखिए, द मास ऑफ कोल इज यूज्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू या उसमें मान को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसकी डिटरमिनेशन करने के लिए उसमें आपको क्या दिया जाता है, कोल का वेट दिया होता है या मास दिया होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट में। द वॉशिंग कंटेन्स सल्फर इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट फ्रॉम विच इज प्रेसिपिटेटेड एज बी एस ओ फोर बाई एडिशन ऑफ बी ए सी एल टू। बी ए सी एल टू को मतलब बी ए सी एल टू को हम लोग क्या करते हैं, उसमें एड करते हैं सल्फेट के फॉर्म में, वो क्या होता है प्रेसिपिटेट निकलता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग अगर मान लीजिए जैसे वेट ले रहे हैं, लेट द वेट ऑफ कोल सैंपल इज डब्लू ग्राम। हम लोग अगर डब्लू ग्राम कहीं कहीं आप एक्स ग्राम लिखते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे अल्टीमेट एनालिसिस में हमने डब्लू ग्राम लिया है, आप लेना चाहते हो तो एक्स ग्राम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। फिर उसके बाद द मास ऑफ प्रेसिपिटेटेड बी, कितना प्रेसिपिटेट आपने लिया है, डब्लू वन ग्राम हमने क्या किया है, जो प्रेसिपिटेट किसका आया है बी एस ओ फोर का। देखिए ये प्रेसिपिटेटेड एज बी एस ओ फोर का जो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म आएगा वो हम लोग क्या लिखेंगे, डब्लू वन ग्राम। अब जैसे मान लीजिए हमको निकालना है कि कितना, जस्ट ये जो 233 ग्राम लिखा हुआ है, ये 233 जो आपको दिया होता है ये बी एस ओ फोर का मॉलिकुलर वेट लिखा होता है बी एस ओ फोर। ये बेरियम का क्या हो जाएगा 137 और सल्फर का कितना हो जाएगा 32, ऑक्सीजन का 16। तो इसको आप ऐड करोगे इसका, या मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये बी ए 137 प्लस सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, 16 चौके 64, यहाँ 64 करोगे तो ये टोटल आपका आ जाएगा 233। तो ये जो 233 ग्राम लिखा हुआ है ये बी एस ओ फोर का मॉलिक्यूलर वेट है। तो यहाँ पे सिंस 230 ग्राम ऑफ बी एस ओ फोर इक्वल टू कितने ग्राम ऑफ सल्फर के, सल्फर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 32, तो 32 हो जाएगा उसका 32 ग्राम ऑफ सल्फर। अगर आप 1 के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये अपान में चला जाएगा 32/233। हमको इसका फार्मूला निकालना है परसेंटेज ऑफ सल्फर का, हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन पेपर में। हमको क्या करना होता है, इतना ही हमको करना रहेगा, बस आपको ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये जो वैल्यू दिया रहेगी बस ये फार्मूला आपको लगाना होगा, तो बस इतना ही करना। अभी आपको करके दिखाते हैं, 1 के लिए निकाला 32/233, फिर W1 के लिए अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू भी लेते हैं। ये थोड़ी किसी डायरेक्ट आप परसेंटेज तो निकालते नहीं हो, परसेंटेज निकालने का मतलब आप किसी से कंपेयर करोगे तब ना परसेंटेज निकालोगे, किसका परसेंटेज निकाल रहे हो। किसका परसेंटेज निकालने का मतलब, जैसे आपका प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक मान लीजिए 700 है, ठीक है, प्राप्तांक नहीं पूर्णांक जो है 700 का है, आप कितना पाए हो उसमें, 700 में 500 पाए हो, जितना भी पाए हो, ठीक है, 500 600 700 जो भी आप पाए हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, प्राप्त किया, तो वो जो आपने प्राप्त किया है या इनिशियल बोल सकते हो उस, वो आपका क्या है, डब्लू ग्राम हो जाएगा। तो वो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके यहाँ परसेंटेज निकालते समय हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, डब्लू वन था तो किससे हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, अपान डब्लू करके इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आता है परसेंटेज ऑफ सल्फर का, 32/233 गुणे
W1 upon W into 100। ये इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ बस वैल्यू आपको रखना होता है, तो वैल्यू रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, इसका परसेंटेज मिलेगा, कितना परसेंटेज आएगा, इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन कराते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा ये लेक्चर नहीं, छोटा छोटा लेक्चर करके कुछ क्वेश्चन आपको कराने होंगे, क्योंकि एग्जाम आ गया है, प्रेशर है एग्जाम का, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम उसको क्वेश्चन कराते हैं। बहुत तेजी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए इसको। हो गया, मिटाते हैं, फिर अभी न्यूमेरिकल इसको करा देते हैं, अभी ही आज ही आप इसको नोट कर लीजिए कहीं, कि एग्जाम के पहले पहले एक बार आप देख लीजिएगा, कभी कभी आ जाता है गलती से, तो बहुत पुराना एक पेपर में आया हुआ है, एक कोई लड़की है खुशबू करके है, उसने क्वेश्चन भेजा हुआ था, तो मैं बोला था पेपर के पहले पहले आपको करा दूंगा, तो मेरी बात भी मतलब उसकी क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो गया, और जैसे मैं बोलता हूँ ना, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, तो वो मेरा बोलना भी सफल हो जाएगा। ठीक है, और सफल होगा ही, क्योंकि जब बोलता हूँ तो वो करता भी हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए इन एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन है, पेपर आईडी पर मुझे आइडिया नहीं है कौन सा है, पेपर आईडी देखना पड़ेगा। इन एक्सपेरिमेंट पॉइंट फोर ग्राम ऑफ विटमिनस कोल गेव 0.466 ग्राम बेरियम सल्फेट BaSO4। तो अभी आपको क्या बताया था, BaSO4 क्या था, प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में था ना, तो वही BaSO4 है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है After precipitated, precipitated नहीं, proper treatment लिखा है, after proper treatment with fuming nitric acid and barium chloride BaCl2 barium chloride solution बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल, ठीक है, और आपको दिया है मॉलिक्यूलर वेट, दिया है बेरियम का 137, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन दिया है, आपके पेपर में आया हुआ है, देखिए अब इसमें करना क्या है, वेट ऑफ कोल सैंपल, देखिए ये जो दिया हुआ है, इन एक्सपेरिमेंट 0.4 ग्राम ऑफ विटनमस कोल गेव 0.466 ग्राम ऑफ BaSO4, तो ये BaSO4 क्या था आपका, प्रेसिपिटेट फॉर्म में, अभी इसके पहले ही बताया हूं, प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता, तो उसको हमको क्या लिखना है, एक आपका क्या हो जाएगा W
ग्राम हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा डब्ल्यू वन ग्राम हो जाएगा। तो बस हमको क्या करना है, फार्मूला लिखना है। पहले हम लोग लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन में, वेट ऑफ कोल, वेट ऑफ कोल सैंपल आप लिख सकते हो, ठीक है। कोल सैंपल कितना हो जाएगा, कोल सैंपल या इसी को हम लोग स्मॉल स्मॉल कह रहे हैं डब्ल्यू ग्राम हो जाएगा। तो ये डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 0.4 दिया है, 0.4 ग्राम ये दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसको यहां देख लो, ऐसे ही 0.4 ग्राम ऑफ बिटुमिनस कोल गेव, तो ये आपका क्या है, कोल का वेट दिया है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, वेट आप अब यहां देखिए जो दिया हुआ है, दूसरा आपका क्या है, वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, ये जो BSO4 दिया हुआ है वो किसका है, प्रेसिपिटेट का है। तो यहां आप लिखोगे वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट ये क्या हो जाएगा, W1 ग्राम। तो ये आपका क्या है, 0.466 ग्राम, ठीक है। ये दो चीज हमको पता है, बाकी और इसका ये दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट दिया है। तो चाहे आप बगल में लिख लोगे MWR, यहीं पे लिख दे रहा हूं मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना हो जाएगा 230। ये हम यहां से लिखे हैं इसको ऐड करके BSO4 का, ठीक है। यहां लिख सकते हो 137 प्लस ये हो जाएगा 32 प्लस 64, इसको ऐड करोगे तो ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। अब यहां हमको क्या करना है, डायरेक्ट आप लिखोगे फार्मूला परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। आपको अभी यहाँ क्या, इसके पहले फार्मूला क्या बताया था, परसेंटेज ऑफ सल्फर का 32/233 था ना, 32/233 इंटू W1/W इंटू 100, ये फार्मूला था। बस इसी पे हमको क्या करना है, वैल्यू ये जो ऊपर रखी हुई है उसी को पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32/233 स्मॉल, ये W1 क्या हो जाएगा, 0.466 अपान क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 100। यहाँ इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो ये आपका आ जाएगा 16% आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये 16% आ जाएगा आपका सल्फर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है तो आप लोग पेपर के पहले पहले जो भी आपका क्वेश्चन फंसा हुआ है आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो, बाकी आप ग्रुप में भी अपना क्वेश्चन भेज दीजिए, वहां से मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे आपका रसायन एकेडमी के नाम से चैनल है, वहां पे आप क्वेश्चन भेज देंगे, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको चाहे करा दिया जाएगा या किया कराया गया होगा तो वो आपको लिंक उसका भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया। बस ऐसे ही करके अभी एक दो क्वेश्चन, अभी एक आपका है सपोनिफिकेशन वाला क्वेश्चन है उसको भी करा दूंगा, और फिर एक क्वेश्चन आपका उसका हार्डनेस ऑफ वाटर का है उसको भी करा दूंगा। क्वेश्चन जो आपने भेजा होगा सब करा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। और ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर को आ नहीं रहा है, आ रहा था, बस ये है कि मेरा एग्जाम था, मैं एग्जाम की वजह से मैं आपको बोल दिया था, ठीक है, मैं सब करा दूंगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए, और ये क्वेश्चन करने के बाद इसको यहीं हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे, क्योंकि बस एक एक क्वेश्चन का अलग अलग करके वीडियो आपको बना के दे दे रहे हैं, आप उससे कम टाइम में जल्दी से आप देख भी लेंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। थैंक यू।